الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الرد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم وآل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابه أصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومعاصي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صلوات بجيب الله आपकी तवक्कुआत के मुताबिक कुछ बात कर सकूं कलील हूं लेकिन अपने इस्तेमाल के मुताबिक जो भी टूटी फूटी ख्वाहिशात हैं उस करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो सूरह पूरा कुरान तआरुफ है वजूद मुबारक की खत्म मर्तबत का ख्वाहिश की के सूरह शम्स के तनाजुर में कुछ कलिमात अदा किए जाए। सूरह मुबारके वश्शम्स कुरान हकीम का 51वां सूरा है जो कुरान की तरतीब हमारे तक पास मौजूद है और जिस तरतीब से ये सूरा नाजिल हुआ उसके मुताबिक तरतीब नुज़ूली के मुताबिक 23वां सूरा है कुरान मजीद का। ये सूरा मक्की है और 15 आयात पर मुश्तमिल है। इन 15 आयात में से पहली 7 आयतों में हक ताला ने 11 कसमें उठाई और उसके बाद की 3 आयात में तबशीर है बशारत और फिर अगली 4 आयतों में इंजार है और आखिरी आयत में परवरदिगार ने इंसानियत को खबरदार किया उस अंजाम से जिसे 4 आयतों में बतौर मिसाल बयान किया। ये कुल 15 आयतें आगाज कसमों से हुआ। कुरान मजीद की चंद एक सूरतें हैं जिनका आगाज कसमों से हुआ लेकिन किसी एक सूरा में भी इतनी ज्यादा कसमें परवरदिगार ने नहीं खाई जितनी इस एक सूरा में खाई। 11 कसमें इससे हट के कुरान में कोई दूसरी नजीर नहीं। परवरदिगार ने एक शय की कसम उठाई दो की कसम उठाई 3 की कसम उठाई 4 की कसम उठाई 5 की कसम उठाई लेकिन इससे बढ़कर किसी सूरा में हक ताला ने अशिया की कसम नहीं उठाई मां सिवाय सूरह शम्स के।
सूरह असर में परवरदिगार ने एक शय की कसम उठाई, वल असर। सूरह दोहा में हक ताला ने दो चीजों की कसम उठाई। सूरह मुबारक आदियात में परवरदिगार ने तीन चीजों की कसम उठाई। सूरह मुबारक तीन में चार चीजों की कसम उठाई। सूरह फजर में हक ताला ने पांच अशिया की कसम उठाई, फिर बात शुरू की। लेकिन ये वाहिद सूरह है जिसमें हक ताला ने पहले 11 कसमें उठाई फिर एक बात की। वही एक बात महवर है इस सूरह का। आगाज किया वशम्स। हम कोशिश करेंगे कि इन आयात के दरमियान रब को महसूस करें और इस रब को बयान करने की कोशिश करें। एक मतलब हम सूरह पढ़ लें ताकि कुल्ली निगाह हो जाए, फिर जहां तक हम इसकी तफसीर आज की इस मुख्तसर रिशिस में बयान कर सके बयान करेंगे। एक सलावात पढ़िए खान। परवरदिगार ने फरमाया कि वशम से वहा, पहली कसम शम्स की सूरज की, फिर वदुहा, फिर उस वक्त की कसम उठाई परवरदिगार ने जब इस सूरज की रोशनी पूरी तरह से रोए जमीन पर फैल जाती। ये कौन सा वक्त है? ये तुलू का वक्त नहीं है, ना गुरूब का वक्त है, ना असर का, ना जवाल का वक्त है। कौन सा वक्त? जब सूरज निसफ नहार पे और इसका साया बिल्कुल खत्म हो जाता है। जवाल कब शुरू होता है? जवाल साया खत्म होने के बाद जब दोबारा ढलता है, ये वक्त जवाल है। ना इससे पहले, जब सूरज का साया जिस लम्हे खत्म होता है परवरदिगार इस लम्हे की कसम उठा रहे हैं। वशम्से वदुहा वल्कमरे इज़ा तला। पहली आयत में परवरदिगार ने दो कसमें उठाई, सूरज की और उस वक्त की जिस वक्त सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता। लेकिन दूसरी आयत में हक ताला ने एक कसम उठाई, कैफियत बयान की लेकिन उस कैफियत की कसम नहीं उठाई। वशम्से वदुहा वल्कमरे इदा तला। चांद की कसम, किस वक्त चांद की कसम? जिस लम्हे चांद बिला फासला सूरज के पीछे आता। इस कैफियत को मद्देनजर रख कर ये दो बातें जब यकजा होंगी तब कसम मुकम्मल होती है। बिला फासला, ये कब होता है चांद? पहले 10 दिनों में तो फासला बहुत वाजे, आखिरी 10 दिनों में भी फासला वाजे, बीच के 10 दिनों में से जो पहले 4 दिन है इसमें फासला कम होता है। और सबसे ज्यादा कम किस शब में होता है फासला? सूरज के गुरूब और चांद के तुलू के दरमियान सबसे कम फासला, ये 14वीं का चांद होता है। यानी खुदा, दूसरे लफ्जों में अगर हम अपनी जुबान में इसका तर्जमा करें, मुझे सूरज की कसम और सूरज के नूर के कमाल की कसम पहली आयत, और दूसरी आयत मुझे चांद की कसम। कौन से चांद की कसम? जब वो सूरज के फौरन बाद उसके पीछे आता है। ये कौन सा चांद है? 14वीं का, यानी मुझे 14वीं के चांद की कसम। वशम्से वदुहाहा वल्कमरे इज़ा तलाहा वन्नहारे इज़ा जल्लाहा। ये लफ्ज़ तजल्ली, ये लफ्ज़ जलवा इसी से मुश्तक है, सब एक ही खानदान के लफ्ज़ हैं। और कसम है मुझे दिन की जब इसकी रोशनी हर सू फैल जाती है, वन नहारे इजा जल्ला,
अलबत्ता अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने यहाँ पर जिस चीज को बयान करने की कोशिश की, कहा कि यहाँ हक ताला जिन चीजों की कसम उठा रहे उन चीजों में कैफियत पर निगाह रखते हुए कसम उठा रहे, और वो कैफियत इन अशिया के कमाल की कैफियत है। सूरज कब कसम उठाई? जब सूरज अपनी इंतहाई कमाल पे पहुंचता है। इसी तरह से चांद जब अपने इंतहाई कमाल को छूता है, इसी तरह दिन जब इंतहाई रोशन होता है, वन्नहारे इज़ा जल्ला वल्लैले इज़ा यग्शा, रात की कसम जब वो पूरी तरह छा जाए तो रात का कमाल, जैसा अल्लामा ने कहा, कमाल कुल शैइन बेहसब ही, हर शय का कमाल खुद उसके मुताबिक है। सूरज का कमाल क्या है? उसकी रोशनी का बतौर अतम जाहिर हो जाना। चांद का कमाल क्या है? जब इसका वजूद पूरी तरह से निगाहों के सामने उभर के सामने आ जाए, रोशन हो जाए। दिन का कमाल क्या है? जब दिन पूरी तरह से मुतजल्ली हो। रात का कमाल क्या है? जब रात बहुत गहरी हो जाए, सन्नाटा, सुकूत, तारीकी, खामोशी छा जाए, ये रात का कमाल है। ये होगी पांचवी कसम। वल्लैले इज़ा यग्शा, और फिर फरमाया वस्समाए वमा बना। यहां जो उर्दू मुतरजमीन ने इसका माना किया, उसमें आप देख लीजिए सरसैयद अहमद खान को, या जो परवेजी साहब का तर्जमा है मौलाना बुराना मौदूदी ने, जो माना किया है उसमें बुनियादी मुश्किल बन रही है। वस्समाए वमा बना, फारसी तर्जमों में भी ये दिक्कत है, सिवाय चंद शख्सियात ने जो ये माना किया। कसम है आसमान की, और क्या माना किया जाता है? और उसकी जिसने आसमान बनाया। ना ये माना नहीं बनता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि इस आयत में लफ्ज मां इस्तेमाल हुआ है। मां और मन में बुनियादी फर्क यह है कि मन ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है, मां गैर ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। बस हम खुदा की तरफ मंसूब नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर खुदा की तरफ निस्बत दी जाए फिर मन होना चाहिए। साहिब अक्ल की बात करते हैं तो मन कहते हैं, हाँ वो इंसान है, मलक है, फरिश्ता है या खुदा है। और अगर गैर सी अक्ल है फिर मां कहेंगे। अब जबकि मां कहा गया इसलिए हम तर्जमा खुदा नहीं कर सकते। कसम है आसमान की और इसके हुस्न सनत की, ये माना बनता है। ये माना हम कभी नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ये तय है तमाम अदबी कुतुब में, ये बात मौजूद है कि मां गैर ज़मीर उकूल के लिए आता है, फिर खुदा हम कहां से तर्जमा करेंगे। बस कसम है आसमान की और इसके हुस्न सनत की। और अब छठी कसम, फरमाया वल अर्दे वमा तहा, कसम है जमीन की और इसके बिछाए जाने की। कसम है जमीन की और इसके बिछाए जाने की। व नफ्स वमा सवा, कसम है नफ्स की और इसके तस्विया की। तस्विया यानी तवाजुन, यानी एतदाल। कसम है नफ्स की और इसके तस्विया की। अब बताइए कितनी कसमें हुई ताकि बात आगे बढ़े? नहीं, 11 हो गई, 11 हो गई। बुनियादी तौर पे कसमें 7 है, लेकिन जो 4 कसमें हैं अलग से, ये 4 कैफियात की कसमें उठाई परवरदिगार। इनमें असल जो मफहूम की दिक्कत है वो इन्हीं में है। और उसके बाद हक ताला ने फरमाया कि फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वा, ये सारी तमहीद बनाई, बात नफ्स तक पहुंचाई, और फिर क्या फरमाया? अब अपनी बात की, कहा तो उसने खुदा ने अल्हमहा इल्हाम किया। एक है वही, एक है इल्हाम।
दोनों की हकीकत एक है, वही भी इंसान के दिल पर इल्का है, इल्हाम भी इल्का है, फिर फर्क कहां से है? जिसे वही की जाती है उसे पता है कि कौन कर रहा है, लेकिन जिस पर इल्हाम हो जरूरी नहीं कि उसे पता हो कि कौन इल्हाम कर रहा है। फअल्हमा, तो अल्लाह ने इल्हाम किया, किस पर? नफ्स पर। या इल्हाम का माना जो मुफस्सिरीन ने किया वो सलाहियत है। मैं चाहता हूं कि एक दफा सूरह का माना मुकम्मल हो जाए, फिर हम जितनी भी आराइज बयान कर सके। फअल्हमा, तो अल्लाह ने इस नफ्स इंसानी पर इल्हाम किया, किस चीज का? फुजूरहा व तक्वाहा। फिस्क फुजूर और तक्वा, ये दोनों सलाहियतें रखी और इन दोनों बातों का इल्हाम किया। इंसान के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। और उसके बाद क्या फरमाया? वो आयत का हिस्सा, सूरह का हिस्सा जो जान है सूरह की, जब खुदा इंसान को लेके जाना चाहता है, ये एक जुमला है, कद अफलहा मन ज़क्काहा। बतहकीक वो कामयाब हो गया जिसने खुद को पाक कर लिया, जिसने अपना तस्किया कर लिया, जो मरहले ज़क्का में दाखिल हुआ ये कामयाब है। वकद खाबा, खाबा का लफ्ज है मकसद तक ना पहुंचना, हदफ से महरूम रह जाना, नाकाम और नामुराद रह जाना, ये लफ्ज खाबा। और वो शख्स नामुराद ठहरा, कद खाबा, मन दसा, जिसने दसीसा किया। जब कुरान अरबों की बात करता है कि अपनी बच्चियों को जिंदा कब्र में उतारते थे, तो इसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? यदुसो, दसीसा, दसा, यदुसो, ये भी एक खानदान के अल्फाज हैं। क्या मतलब? हर वो काम जो छुपा के अंजाम दिया जाए इसे यदुसो, दसीसा कहते हैं। तो आमतौर पे इंसान बुरे काम को, गलत काम को, गुनाह को छुपा के अंजाम देता है दूसरों की निगाहों से उजल रखे। इसलिए नामुराद ठहरा वो जिसने मासियत की, जिसने गुनाह किए। और कज़्ज़बत समूद बितगवा, बस 10 आयतें मुकम्मल हुई, अगली 5 आयतें, इनमें पहले खुदा मिसाल दे रहा है किसकी? कज़्ज़बत, तकजीब की, झुठलाया समूद, कौम समूद ने, बेतगवा, अपनी सरकशी के जरिए से, किसे झुठलाया? रसूलुल्लाह को। कौन रसूल? जनाबे साले। इज़िम बासा अश्का, कैसे झुठलाया समूद ने साले को? जब अपने दरमियान में से एक को भड़काया। देखिए सूरह जुमा में पैगंबर के लिए लफ्ज बेइज्जत इस्तेमाल हुआ, और यहां सूरह शम्स में कौमे समूद में केदार बिन यूसुफ, जिसने जनाबे साले की ऊंटनी की टांगे काटी थी, खोचे काटी थी, इसके लिए भी इनबियास का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। यानी इसे उभारा गया, फिर इसने ये हरकत की और जनाबे साले की ऊंटनी को, कि जो जनाबे साले की तरफ खुदा ने निस्बत नहीं दी, का नाकतल्ला, अल्लाह की ऊंटनी। कज़्ज़बत समूद बितगवाहा, कैसे? इज़्ज़बासा अश्काहा, अश्का कहते हैं शकी का सिगा मुबालगा, जो इंतहाई शकी। शकी किसे कहते हैं? मुफ़रदात राग़िब में इमाम राग़िब इस्फ़हानी ने शकी की तारीफ ये बयान की है कि हर वो शख्स जो अपनी बदबख्ती और हिलाकत का सामान अपने हाथों से करे, जिसे किसी दुश्मन की जरूरत ना हो, खुद को खुद तबाह करे, इसे शकी कहा जाता है। अशका जो सबसे बड़ा शकी, सबसे बड़ा बदबख्त है, ये बदबख्त उठा और इसने नाके साले की पोंछे काटी। फकाल लहुम, तो इन्हें कहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने, ना कतल्ला व सुकिया, फकज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, इन्होंने तकज़ीब की और
इसको कत्ल किया ऊंटनी को। फदमदमा दमदमा, देखिए कुरान ने जो अजाब बयान किए इनकी नौयत मुख्तलिफ है। सूरह शम्स में कौम समूद के लिए जिस अजाब की बात हो रही है लफ्ज दमदमा इस्तेमाल हुआ। दमदमा चूंकि इनकी इमारात बहुत बुलंद वाला थी, बहुत खूबसूरत घर बना रखे थे, बहुत उमदा रिहायशें थी। समूद की तहजीब है, दुनिया की 19 तहजीबों में से एक तहजीब और एक तमद्दुन जिसे आलमी सतह पर तारीख में गिना जाता है, ये कौम समूद का तमद्दुन है। बहुत मुहज्जब थे, बहुत मुसक्कफ थे, बहुत तरक्की याफ्ता थे अपने असर में। लेकिन दमदमा का मतलब है कि परवरदिगार ने ऐसा अजाब उतारा कि जिसके बाद ये सब कुछ मलियमेट हो गया, कुछ नहीं बचा। और वो हुजरे, वो कमरे, वो मकान जिनमें वो रहते थे वो उनकी कब्रों में तब्दील हो गए। और फिर इससे आगे बढ़ी परवरदिगार ने बात फरमाया, फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, अल्लाह ने इनके गुनाहों की पादाश में ये अजाब नाज़िल किया। फसव्वा, सफा का मतलब ये कि खुदा ने जमीन को बिल्कुल बराबर कर दिया, ऐसे कर दिया कि गोया यहां पर कोई रह ही नहीं रहा था। फला यखाफु उकबा, और आखिर में खुदाए मुताल ने इंतजार इंतजार किया, खबरदार किया। क्या इस अंजाम को, कौम समूद के अंजाम को बयान करने के बाद फिर कयामत तक आने वाले इंसानों को डराया कि देखो अल्लाह को कोई खौफ नहीं कि वो किसी को भी इस तरह के अंजाम से दो चार कर दे। खौफ कब होता है? जब इंसान को अक्सुल अमल से डर, देखिए कोई मुक्तदर हलका है, हुक्मरान है, अगर सजा देना चाहता है, इसके पास इख्तियारात भी है, फिर सजा देने से क्यों हिचकिचाता है? इसी की से खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि इस जो मैं सजा देने लगा हूं अपने मुल्क के किसी एक तबके को, नतीजे में अक्सुल अमल के तौर पर मेरी हुकूमत खतरे में पड़ जाए। लेकिन ना, खुदा के इक्तदार को कोई खतरा नहीं है, इसलिए खुदा फरमा रहे कि मुझे इस तरह की आकिबत से दो चार करके कोई खौफ महसूस नहीं होता। अगर कौम समूद को मैंने इस अजाब से गुजारा है तो किसी और को भी गुजार सकता हूँ। तर्जमा मुकम्मल हुआ, एक सलावात पढ़िए। अब जो पहला सवाल उठता है वो इस सूरह के अंदर आने वाली कस्मों के दरमियान रब्त का है। उलूम कुरान के जितने भी माहिरीन हैं सबसे पहले मरहले में तरतीब से जब किसी भी सूरह की तफसीर बयान करते हैं तो फिर आयात का रब्त बयान करते हैं। अल्लामा मोहम्मद हसन तबातबाई ने पूरी तफसीर अरबीजार में शुरू से लेकर आखिर तक इस रब्त को बयान करने की कोशिश की। अब आइए हम चलते हैं सूरह वाकिया शम्स की तरफ। क्या रब्त है? देखिए पहले हक ताला ने किसकी कसम उठाई? शम्स की। तो क्या तरतीब के एतबार से पहले आसमान की कसम नहीं उठाई जानी चाहिए थी वुसअत के एतबार से? लेकिन ना, पहले सूरज की कसम उठाई, फिर चांद की कसम उठाई, फिर दिन की कसम उठाई, फिर रात की, फिर आसमान की, फिर जमीन की, फिर नफ्स की। क्या रब्त है इनके दरमियान? और फिर जो हक ताला ने कसमें उठाई हैं, इन कसमों का उस बात के साथ क्या रब्त है कि जो कसमों के फौरन बाद परवरदिगार ने बयान की? कद अफलहा मन ज़क्काहा, वो कामयाब है जिसने अपना तज़किया कर लिया। क्या रब्त है इस एक बात के साथ इन पिछली कसमों का? सूरज का इंसान के तज़किया के साथ क्या रब्त है? चांद का इंसान के तज़किया के साथ क्या रब्त है? रात का इंसान के तज़किया के साथ क्या रब्त है? रूह आयत, रूह सूरा मन ज़क्का, 11 कस्में उठाई, 11 कस्मों का रब्त होना चाहिए। अगर रब्त ना हो तो ये एजाज कुरान के खिलाफ है। दिन का
तज़किए नफ्स के साथ क्या ताल्लुक है, राग का क्या ताल्लुक है, सूरज का, चांद का, आसमान का, जमीन का, नफ्स का, यहां से देखना होगा। देखिए यहां पर मुफस्सिरीन ने बहुत जोर इल्मी सर किया, बयान किया भाई अल्लाह ने सूरज की कसम क्यों उठाई, चांद की कसम क्यों उठाई, फिर सूरज की खसूसियात बयान की, क्योंकि सूरज की वजह से ये फवायद हासिल होते हैं, ये पूरी पूरी शायद 100-200 सफात को बयान किया इस एक मतलब को। इसी तरह से चांद के फवायद बयान किए, दिन से मुतल्लिक गुफ्तगू की, लेकिन ना इस तमाम गुफ्तगू के बावजूद उस रब को ढूंढ नहीं पाए वो सिरा क्या है। और अगर आपने गौर फरमाया हो और आप ये सूरह पढ़ते हैं, देखिए ये सूरह अजीब है, ये सूरह अगर आप खुद कभी घर में बैठकर, अब तो बच्चे जवान इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब से, कभी इस सूरह की तिलावत निकाल के सुने आप, फिर महसूस करें देखें कि आपके कल्ब की कैफियत का असर क्या होता। सैयद कुतुब जिनके शागिर्द हैं रशीद रजा साहिब तफसीर अल-मीनार, उन्होंने ये बात बयान की, कहा कि हम बहरी जहाज के जरिए से अमेरिका का सफर कर रहे थे और इसी दौरान में जब हम जहाज में थे, बहरी जहाज में दौरान सफर, एक ईसाई मुबल्लिग बार बार आकर हमें अपने मजहब की तबलीग कर रहा था, सबको कर रहा था और हमें भी, हमें इस चीज से तकलीफ होती थी कि हम मुसलमान हैं और ये आके हमें अपने मजहब की तबलीग कर रहा है। सो हम छह दोस्त थे कश्ती में, हमने मिलकर ये मशवरा किया कि जब ये अपने दीन की तबलीग कर रहा है तो हमें भी अपने मकतब की मजहब की बालादस्ती के लिए कुछ करना चाहिए। सो हमने ये तय किया कि हम छह अफराद हैं, नमाज जुमा कायम हो सकती है, सो हमने जहाज के कप्तान से रब्ता किया कि हम नमाज जुमा पढ़ना चाहते हैं, आपकी इजाजत चाहिए, उसने इजाजत दे दी। और हमने फिर ये ख्वाहिश भी की कि तुम्हारे जहाज के अमले में बहुत सारे अफ्रीकी मुसलमान भी, इन्हें भी शामिल होने की इजाजत दे, इजाजत मिली और हमने जुमे के दिन जहाज के अंदर, बहरी जहाज के अंदर नमाज जुमा बर्पा की। सैयद कुतुब कहते हैं कि जब मैंने खुतबा जुमा शुरू किया तो ऐसा ही मुझ पर इल्हाम सा हुआ, मैंने इस अपने खुतबे में सूरह मुबारक शम्स की तिलावत की, और जब मैंने सूरह शम्स पढ़ी तो हमारे अतराफ में चारों तरफ जहाज के अरशे पर मुख्तलिफ मर्द ख़वातीन खड़े बगौर हमें देख रहे थे, हमारे हर अमल को तनकीदी निगाह से देख रहे थे। का मैंने महसूस किया खुतबा देते हुए कि एक खातून खड़ी है और वो सारो कतार गिरिया कर रही है, यहां तक कि मेरे खुतबे के आखिरी मरहले में उसने कांपना शुरू कर दिया, कब कभी तारी होगी। का मैंने खुतबे दिए, नमाज मुकम्मल की, अच्छा मैंने नमाज मुकम्मल की तो उसके बाद वो खातून चलते हुए मेरे पास आई और मुझसे इस्तफसार किया कि अभी ये आप जब खड़े होके पढ़ रहे थे ये क्या कलेमा थे दोबारा मेरे सामने पढ़े। मैंने पूछा कौन से, मैंने तो काफी चीजें पढ़ी। उसने इशारा दिया इस वक्त इस मरहले में पहुंच के आपने क्या पढ़ा था, वो पढ़े। मैंने महसूस किया कि ये सूरह शम्स की बात कर रही, मैंने ये सूरह पढ़ा, मैंने देखा कि इस खातून की फिर हुई कैफियत। मैंने पूछा आप कौन हो, उसने बताया कि मैं यूगोस्लाविया से मेरा ताल्लुक है, मुसन्निफ है बहुत सारी किताबों की, और चूंकि उसने कम्युनिज्म के खिलाफ किताब लिखी तो इस किताब लिखने की पादाश में उसको अपने शहर में मुल्क में बहुत अच्छे तक नजरबंद रखा गया और फिर उसको जलावतन कर दिया गया। अब वो अमेरिका की तरफ जा रही थी, कौन थी, लादीन थी, मुरहिद थी। सैयद कुतुब कहते हैं मैंने पूछा ये तुम ये सुनकर क्यों गिरिया कर रही थी, क्या जब मैंने आपको ये कलिमात पढ़ते हुए सुना तो मुझे लगा कि ये कलिमात किसी इंसान के नहीं हो सकते, और जब फिजा में आपकी कलिमात मुंतकिल कर रहे थे तो मैंने एक अजीब इल्हामी कैफियत महसूस की, मुझे लगा कि इस लम्हे ये आप ये फर्क खुदा के साथ मुतसिल है। इस सूरह में बहुत बलागत है, अगर इसके मैं फजाइल के बारे में रिवायत बयान करूं तो शायद एक घंटे इसमें गुजर जाए, पैगंबर का ही एक जुमला काफी।
पैगंबर फरमाते कि अगर कोई शख्स सूरह शम्स की तिलावत करे तो जमीन पर जिस जिस शय पर सूरज चमकता है और चांद की रोशनी पड़ती है उस सब का सदका देने के बराबर अजर है सूरह शम्स की तिलावत का। क्यों फरमाया पैगंबर ने? यानी अगर पढ़ेगा सूरा तो इस सूरा के अंदर मौजूद मफाहिम और मतालिब की तरफ अगर तवज्जो है तो नतीजतन उसका असर और नतीजा ये। आइए मेरे अजीजों, मैंने आपको जहमत दी लेकिन अब हम पहले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले से ही महसूस किया और अब आपसे अर्ज भी किया कि तबीयत कुछ नासाज है, हो सकता है कि मैं बेहतर तौर पर, लेकिन आपकी उसने समाप्त बायस बन दी कि मैं कुछ ना कुछ अर्ज करने में कामयाब हुआ। सबसे पहली बात कि सूरज से शम्स से इस सूरा में कसमों का आगाज क्यों किया गया, इसे क्यों मुकद्दम किया गया? इसलिए कि शम्स मरकज़ हयात है, महवर हयात है, रमज़ हयात है। हमारी जिंदगियां सूरज के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर सूरज ना हो तो ये कायनात लम्हों में नाबूद हो जाए। बुनियादी तौर पर सूरज की दो चीजें, एक सूरज की हरारत, दूसरे सूरज की रोशनी। अतः समंदर की तह के अंदर कई किलोमीटर अंदर तक जितनी भी मखलूकात हैं उन्हें भी जो रिस्क मिल रहा है ये भी सूरज के साथ वाबस्ता है। जितने भी नबातात हैं इनकी जो रोशत हो रही है, नमो हो रही है, बस एक उस जो आमिल है सूरज, सूरज हयात बख्श है। लेकिन ये जाहिरी माना है, जाहिरी माना है। इमाम सादिक ने क्या फरमाया? अब मैं एक एक जो जो मुफस्सिरीन ने इनकी मानी बयान की मैं उसको बयान नहीं कर रहा। अब मैं बढ़ रहा हूं इमाम के जुमलात की तरफ, चूंकि वक्त मुख्तसर और मैं समेटने लगा बात। सूरज से मुराद कौन है? सूरज से मुराद हमारे जद्द बुजुर्गवार पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शम्स के साथ क्यों तशबीह दी अल्लाह ने पैगंबर को? इसलिए कि जिस तरह से सूरत बशरियत के लिए, मखलूक के लिए और तमाम मौजूदात के लिए जो हुए जमीन पर मौजूद है इनके लिए हयात बख्श है, इसी तरह से पैगंबर गिरामी इस्लाम के तारुफ में कुरान बेने ही फरमा रहे। क्या फरमाया? कि ए साहिबान ईमान, इस्तजीबू लिल्लाहे वले रसूलेही बिमा युहयीकुम। रसूल को और खुदा को इस्तजाबत करो, लब्बैक कहो उस चीज की तरफ के जो तुम्हें जिंदगी अता कर रहे हैं। देखिए मेरे अजीजों, एक जुमला पैगंबर ने अली इब्ने अबी तालिब से मुतल्लिक कहा, एक जुमला कुरान पैगंबर से मुतल्लिक कह रहा है। पैगंबर ने अली से मुतल्लिक क्या कहा? कहा कि अल हक मा अली व अली मा अल हक। ये भी मामूली बात नहीं है, लेकिन अली के तारुफ में पैगंबर ने जो बात दूसरे मरहले में कही क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा आदिरिल हक हैथुमा दारा अली। परवरदिगार तो हक को उधर उधर फेर दे जिधर जिधर अली जाए। ये नहीं कहा कि तू अली को, उसूलन दुआ तो ये होनी चाहिए थी ना कि तू अली को वहीं फेर दे जहां हक जाए, ना ये नहीं फरमाया। हक परस्त होना ये बहुत बड़ा शुआर है, ये बहुत बड़ा तशखुस है, ये बहुत बड़ा इम्तियाज है, कोई हक परस्त है, हक का पैरो। इससे बढ़कर हक की मैयत, हक का साथ। लेकिन पैगंबर ने इन दोनों बातों से गुजर के अली का क्या तारुफ पेश किया? कहा कि अली हक महवर नहीं है बल्कि महवर हक है। ये नहीं कि अली हक का तवाफ करते हैं, ना, हक अली का तवाफ करता है।
हमारे पाकिस्तान में जो मलंग आमतौर पे नारा लगाते हैं, नहीं मालूम ये इल्हामी है उनकी जुबान से किसी ने, खुदा ने जारी करवाया क्या? क्या जुमला है ना, अली हक द इमाम। ये बात बहुत अहम है, ये बात गैर मामूली। इमाम हक होना ये बहुत बड़ी बात है, खुद जो हक का भी इमाम हो, यानी अली महवर हक है, ये पैगंबर ने कहा। और पैगंबर के लिए खुदा ने कुरान में क्या फरमाया कि पैगंबर महवर हयात, महवर हयात, यानी अगर तुम पैगंबर की आवाज पर लबैक कहोगे तो पैगंबर तुम्हें जिंदगी अता करेंगे। इसकी रोशनी में ये बात कहना कि पैगंबर आज जो पाकिस्तान में फिरका बना, यहां देखा देखी फिर हिंदुस्तान में भी पहुंच गया, पैगंबर हयाती हैं या ममाती हैं? ना, सिरे से पैगंबर की हयात और ममात मसावी बराबर। पैगंबर की हयात को समझा नहीं गया जे बेरसत के पैगंबर की ममात से मुतालिक बात की जाए। देखिए आयतुल्लाह जवादी आमली ने जो सीरतुन नबी ने बेहतरीन किताब लिखी दो जिल्दों में, जो पहला जुमला का पैगंबर के तारुफ में का पैगंबर गिरामी इस्लाम रूए जमीन पर हक ताला के इस वस्फ के मजहर है, किस वस्फ के, इस आयत के, कौन सी आयत, लैस कमिस्लिही शै, ये वस्फ खुदा का है। और रूए जमीन पर इस वस्फ खुदा का बतौर अतम मजहर जात मोहम्मद मुस्तफा है। ये कुल्ली बात। और उसके बाद फिर उन्होंने एक एक वस्त को बयान करना शुरू किया, उनमें से मुही मुमीत, मुही यानी जिंदा करने वाला, जिंदा करने वाला बिजात कौन है, अल्लाह। और बिल अरज कौन है, मोहम्मद मुस्तफा, जो लोगों को जिंदगी देता है। और फलसफे में, फलसफा यानी अक्ल, इकरार हकीकत, सबसदा इनकार हकीकत, फलसफा इकरार हकीकत। फलसफे में जो बुनियादी उसूल तालीम दिए जाते हैं, एक असल क्या है कि कभी भी फाकिदु शय मोतियु शय नहीं हो सकता। अगर मेरे अपने पास कुछ नहीं है तो मैं आपको कुछ दे सकता हूं, नहीं दे सकता, देने के लिए हामिल होना जरूरी है। फाकिद कभी मोती नहीं हो सकता। और अगर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा बशरियत को हयात देते हैं, जिंदगी देते हैं, तो जो खुद मर जाए क्या वो दूसरों को जिंदगी दे सकता है? ना, नहीं दे सकता। इसका मतलब खत्मी मतलब की हयात और मौत सिवा है, बराबर है। ये मतलब बहुत दकीक है। देखिए मैं मुसलसल आपको जहमत दिए जा रहा हूं, और उसकी वजह यह है कि मुझे एक तवील अरसे के बाद साहिबान मारिफत एक नुक्ते पे जब इकट्ठे मिल गए, और जब एक उमूमी इज्तिमा नहीं है तो फिर मैं इस चीज से फायदा उठाने की कोशिश करूँ, वरना शायद मैं ऐसी गुफ्तगू ना करता। देखिए बुनियादी फर्क जो महसूस करना है, समझना है, वह शम्स क्या मुराद है। मैं और आप जब हमारी तखलीक से मुतल्लिक खुदा ने गुफ्तगू शुरू की तो क्या फरमाया, لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين, कि हमने इंसान को खल किया किस चीज से, मट्टी से। लेकिन ये नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया हमने इंसान को मट्टी से बनाया, आमतौर पे यही माना किया जाता है, लेकिन खुदा ने ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया, لقد خلقنا الانسان من سلاله من तीन, हमने इंसान को मट्टी के जौहर से बनाया, मट्टी के रस से बनाया, मट्टी के अर्क से बनाया, मट्टी के जूस से। फिर क्या फरमाया खुदा ने, सूरह बाकी मोमिनून में चले जाइए, फिर ये अच्छी देखिए मट्टी का रस कहां निकाला जाता है, ये बात कभी की या नहीं की, मट्टी का रस कहां निकाला जाता है, खुदा कह रहे हमने इंसान को मट्टी के रस से बनाया,
अब मट्टी से कहा होता तो बात समझ में आ जाती, खाना मट्टी के रस से बनाया। कहाँ निकाला जाता है मट्टी का रस? फलों का रस, फूलों का रस हम निकालते हैं, मट्टी का रस कहाँ निकाला जाता है? आपके लाहौर और अतराफ में ये जो खेत बागात हैं, ये पौधे और दरख्त, ये वो मशीनें और कारखाने हैं जो मुसलसल जमीन का रस कशी करने में मसरूफ हैं, मुसलसल मट्टी का रस खींच रहे हैं। और ये रस कहाँ मुंतकिल होता है? दाने में। वो दाना गंदम का हो, संतरा हो, सेब हो, नाशपाती हो, ये सारा उसका जौहर मट्टी का उस पौधे ने कशीद किया और जमा कर दिया दाने में। अब इस दाने को कुरान कहते हैं कि इंसान खाता है तो क्या बनता है? खून। खून से फिर क्या बनता है? नुतफा। नुतफा से अलका, अलका से मुजगा, मुजगा से इदाम, हड्डियां। फिर खुदा क्या फरमाते हैं? फकसौन अलइदाम लहमा, फिर हमने हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। और चार महीने दस दिन में इंसान का ढांचा सर से लेके पांव तक मुकम्मल हुआ। फिर क्या कहा खुदा ने? फुम्मा अंशअना हो खलकन आखर, फिर हमने इसमें एक और शय डाली। क्या शय है? अब तक अलका मुजरा इजाम सब कहा, लेकिन ये बात खुदा ने नहीं की। जैसे खुदा ने फरमाया कि फिर हमने इसमें एक और शय डाली, फौरन क्या फरमाया? फतबारक अल्लाह वासुल खालिकीन, मुबारकबाद का मुस्तहक है वो अल्लाह जिसने इतनी बेहतरीन मखलूक खल्क की। क्या शय? नफ्स, रूह। जहां पे आके इस सूरा की कस्में खत्म हो रही, वह नफ्स से वमा सवा, नफ्स और उसका तस्विया, उसका तवाज़ुन। अच्छा, ये नफ्स क्या है, रूह क्या है, ताकि शम्स के साथ रब भी वाजे हो जाए, सबका की मंजिल तक हम पहुंच जाए। ये नफ्स क्या है? इंसान दो चीजों का मजमुआ है, जिस्म का और रूह का। जिस्म क्या है? जिस्म मकान है, वर्दी है, लिबास है, पोशाक है, इस मट्टी से बना है, इन अनासिर से बना है, और दोबारा इसी मट्टी में मट्टी हो जाता है। रूह क्या है? रूह जैसे ही मकान तैयार होता है, अल्लाह इस रूह को, जिसका ताल्लुक आलम मलकूत से, रूह का इस दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आलम मलकूत से हक ताला इस रूह को मकीन के तौर पर इस मकान में एक अरसे तक कयाम की भेजता। असल इंसान की हकीकत, ये नफ्स जिसकी खुदा सबसे आखिर में कसम उठा रहे, ये रूह है। रूह और नफ्स क्या है? रूह और नफ्स में कोई मादा शामिल नहीं है, ना आग, ना पानी, ना हवा, ना मट्टी, ना खून, ना कोई और ऐसी चीज। रूह में क्या है? रूह में अल्लाह ने पांच जौहर रखे हैं। देखिए, रूह की शिनाख्त मुमकिन है या मुमकिन नहीं? एक सलावत पढ़ी खाने का, नफ्स और रूह से मुतल्लिक कुरान के, जब अरब आते थे पैगंबर के पास कहते थे यह सलू न कर रूह, ए रसूल ये अरब आपसे रूह के बारे में सवाल कर रहे हैं। बोले रूहों में नमरे रब्बी, इनसे कहो कि रूह मेरे रब का अमर है। ठीक, अमर क्या है? जब ये आयत नाजिल हुई तो पैगंबर ने फरमाया कि इस कायनात में दो चीजें हैं, जितनी भी मौजूदात हैं इनकी दो किस्में, कुछ का ताल्लुक आलम खलक से है, कुछ का ताल्लुक आलम अमर से है। रूह का ताल्लुक आलम अमर से है, और तुम आलम खलक में रहते हुए आलम अमर की हकीकत को नहीं समझ सकते। ये रूह है जिसका कोई ताल्लुक नहीं इस दुनिया के साथ, मादा के साथ, न इन चीजों से बनी है। वो रूह कहीं और से आई है, और मुख्तसर अरसे के लिए, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, बिलाखिर पलट के वही जाएगी। इस मकान की क्यों इज्जत की जाती है? क्यों उसे गौसल दिए जाते हैं तीन तीन मरतबा? क्यों उसे कफन पहनाया जाता है इज्जत और एहतराम के साथ, कंधों पर उठा के लेके जाते हैं? इसलिए कि शरीफ तरीन मकीन एक अरसे तक इसके अंदर ठहरा है। असल हकीकत उस मकीन की है। वो मकीन कौन है? रूह।
नफ्स जिसकी हम ताला ने आखिर में कसम उठाई, ये रूह क्या है? इमाम सादिक फरमाते कि अल्लाह ने, मैं पहले अश-शम्स की वजाहत कर रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ किसी में बात फैल गई है, बोल रही कि ये बात मुसलसल मुझे याद आ रही है। हजरत फरमाते हैं कि इल्म एक नुक्ता था जिसे जाहिलों ने फैला दिया, तो समेटने के लिए अली और अली की औलाद चाहिए, जैसे जाहिल फैलाए। खूब, रूह जिस्म का ताल्लुक आलम मुल्क से, रूह का ताल्लुक आलम मलकूत से। रूह मुजर्रद है, रूह बसीत है, रूह लतीफ है। इस रूह बसीत में अल्लाह ने पांच जौहर रखे, क्यों कसम उठा रहे खुदा, यहीं से फर्क पता चल जाएगा और यहां से ये भी पता चल जाएगा कि अल्लाह ने वश्शम्स से इस सूरह का आगाज क्यों किया। पांच जौहर, जौहरे इल्म, जौहरे बका, जौहरे इर्तिका, जौहरे खुशबू और जौहरे नूर। ये पांच जौहर रखे अल्लाह ने हर इंसान की रूह में, और फिर इस रूह को इंसान ने, अल्लाह ने उतारा इंसान के जिस्म में, इस पैकर में। इस रूह में कोई मादा नहीं है, ये पांच जौहर है। अब मौत और हयात का तसव्वुर, फिर पता चल जाएगा कि अकील भाई क्यों मुसलसल काफिले लेके जाते हैं। भाई अगर इमाम हुसैन कब्र में मट्टी में दफन है तो मट्टी के पास क्यों खड़े हैं? चाहे उसके ऊपर सोने की जाली है तो क्यों चूम क्यों रहे जाली को? क्यों दीगर आयमा की कबूर पे जाते, क्यों उमरे पे जाते मदीने में, क्यों एक जाके चूमने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा अपने हाथ में डंडा उठा के पीछे धकेल रहा है, हराम हराम बिदआ बिदआ, क्यों? ये जहनियतों में फर्क क्यों? ये फिरके क्यों बन रहे? एक हयाती एक ममाती, इनके दरमियान मुनाजरे हो रहे हैं, एक पैगंबर की हयात साबित कर रहा है, एक पैगंबर की ममात साबित कर रहा है। ना, सिरे से पैगंबर की हयात को नहीं समझा गया, पैगंबर की हयात बहुत दूर, हमने अपनी हयात को नहीं समझा। जिंदगी क्या है, मौत क्या है? पांच जौहर रखे अल्लाह ने हर इंसान की रूह में, और अब क्या फर्क है हम में पैगंबर में, हम में और अली में, हम में और हुसैन में, हम में और इमाम जमाना में? इमाम सादिक फरमाते हैं, क्या फरमाया, क्यों पैगंबर की जिंदगी को कुरान ने आमले हयात करा दिया? कहा कि सुनो, अब देखिए मैं और आप, हम अगर यहां से प्रवास करना चाहें, जहां बैठे हैं फर्श पे, आप जमीन पे, मैं सोफे पे, लेकिन एक डेढ़ फुट का फर्क है, आप चाहें या मैं चाहूं कि हम प्रवास करें, प्रवास करके कम से कम इस मकान की छत तक जा पहुंचे, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन पैगंबर कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? असरा बेहद दी, कहां तक? तना फतान काबक हुसैन, कैसे चलेंगे? और हदीस नहीं है कि हम कहें भाई गैर मोतबर, कुरान कह रहे गए, और मेराज महज रूहानी नहीं थी, पैगंबर ख्वाब में नहीं गए, ना इसी जिस्म के साथ गए, कैसे माने भाई, कैसे माने? जब एक इंसान, मैं और आप, उठ के यहां से छत तक नहीं जा सकते, पैगंबर वहां तक कैसे गए? क्या कोई और नबी जा सकता है? इब्राहिम जो रसूलुल्लाह की जद है और गैरस खत्मी मतलब तमाम अंबिया से अफजल, अगर हजरत इब्राहिम जाना चाहे मेराज पर, जा सकते नहीं जा सकते? जा सकते नहीं जा सकते? लाहौर के दानिश्वरों से सवाल करो, नहीं जा सकते ना। नूर का आंख से ताल्लुक नहीं है, मैं आज करूंगा। देखिए हम फलसफा में, मौलाना अमीर की अजीब जुमला है, इस पे अब उरफा ने मुस्तकिल लिखा है, ये जो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाज लोगों की अक्ल उनकी आंखों में है, बाज लोगों की आंखें उनकी अक्ल में। पैगंबर से मुताल्लिक 180 दर्जे जाविये पे जाके खड़ा है एक शख्स, पैगंबर के बारे में क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है,
एक मजहरे सिफात खुदा कह रहा है, दूसरा अपने जैसा बशर कह रहा है। क्यों? फर्क दीन का है। और दीन अली बयान कर रहे हैं कि बाज लोगों की आंखें उनकी अक्ल में है, बाज की अक्ल उनकी आंखों में है। जो पैगंबर को इन जाहिरी आंखों से देखने की कोशिश करता है वो क्या होता है? वो ठोकरे खा के गिरता है, फिर कहते मेरे जैसे बशर। क्यों? कुरान कह रहा, अरब ये कहते हैं यमशी फिल अस्वाक, ये मोहम्मद तो बाजारों में चलते हैं, हमारे साथ एक दस्तरखान पे बैठ के बातें करते हैं, खाना खाते हैं, हम जैसे। कुरान का नाम बल रूहा इलैहि, चलते तुम्हारे साथ है, लेकिन क्या फर्क है? आंख से क्या देखा जा सकता है, क्या नहीं देखा जा सकता? ये कायनात जो अटी हुई है जवाहिर से, क्या हम किसी जौहर को आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। रूह काबिले रोयत नहीं आंख से, और रूह में अल्लाह ने 5 जौहर रखे हैं, और ये कायनात अटी है जवाहिर से। आंख बल्कि तमाम हवास, हवास से 5 के इम्कान में नहीं है कि वो देख सके जवाहिर को, सिर्फ आराज को देख सकते हैं। आराज में से भी सिर्फ कम और कैफ को, कम और कैफ में से भी सिर्फ रंग और रोशनी को देख सकते हैं। रंग और रोशनी में से भी सिर्फ वो चीज जो हमारे हवा से खमसर की रेंज में आए वो हमारे लिए मजबूर से मालूम बनेगी। तो खत्मी मर्तबा कौन है? इमाम सादिक फरमा रहे हैं, ये बुनियादी फर्क बस शम्स की तफसीर हो जाए, कम से कम एक जुमले की हो जाए। मुझे अफसोस है कि मैं सारी बातें अधूरी छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन एक लफ्ज मुकम्मल हो जाए। एक सलावत पढ़िए खानदान फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी हो अल्लाह ने इसमें 5 जौहर रखे। अब क्या हम जा सकते हैं मेराज में चले मरने के बाद? अभी तो जिस्म है ना, जब जिस्म रूह से अलग हो जाए अब जा सकते हैं? क्या अंबिया जा सकते हैं? ये बात मैं कर रहा था। आइए देखें कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, कौन पहुंचा है या नहीं पहुंचा। जाना चाहता जा सकता था, नहीं जा सकता, क्या फर्क है? हमारी रूह में अल्लाह ने 5 जौहर रखे। और अब इमाम सादिक क्या फरमाते हैं उसूले काफी में? इमाम फरमाते कि सुनो, अल्लाह ने जिस चीज से तुम्हारी रूहों को बनाया है उस चीज से अल्लाह ने अंबिया के जिस्मों को बनाया। यानी जितनी तुम्हारी रूह लतीफ हो सकती है इतने अंबिया के जिस्म लतीफ हैं। और फिर क्या फरमाया? अल्लाह ने जिस चीज से अंबिया की रूहों को बनाया है उससे हम मोहम्मद और आले मोहम्मद के जिस्मों को बनाया। यानी जितना हजरत इब्राहिम का जिस्म रूह, जितनी जनाब इब्राहिम की रूह लतीफ है इतना मोहम्मद का जिस्म लतीफ है। इसलिए इब्राहिम की रूह मेराज पर जा सकती है लेकिन जिस्म नहीं जा सकता। इसलिए कि मेराज तक पहुंचने के लिए जो लताफत दरकार है, आखिर जिब्रील तो जिस्म भी नहीं रखता, जिब्रील तो रूह है, सरापा रूह है, जिस्म का वजूद नहीं। जब भी जिब्राइल जमीन पे आते थे पैगंबर के सामने सहाबा के दरमियान देहिये कलबी की शक्ल में आते थे, एक सहाबी थे रसूल के उनका रूप धारते थे, वरना रूह है, जिब्राइल जिस्म नहीं रखते। अब जबकि जिब्राइल रूह है लेकिन चौथे आसमान पे पहुंच के जिब्राइल रुके और पैगंबर ने कहा आओ आगे हो, क्यों रुके हो? क्या जवाब दिया? लो दनो तो बुलंदन लह तरक तो, अगर एक पोरा बराबर आगे बढ़ू तो मेरे पर चल जाए। लेकिन जिब्राइल ही जा सकते तो कौन गया? पैगंबर तन्हा गए। कैसे चले गए? जहां जिब्राइल नहीं जा सकता जो जिस्म नहीं रखता, मोहम्मद उससे आगे जा रहे हैं इसी जिस्म के साथ। कैसे? इमाम सादिक ने फरमाया जितने हमारी रूह लतीफ उतने अंबिया के जिस्म लतीफ, और जितनी अंबिया की अरवाह लतीफ है उतने मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिस्म लतीफ है। अब पता चलता है कि करबला जाके क्या मिलता है, मदीने जाके क्या मिलता है। वो हुसैन के जो कटे हुए गले के साथ कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्या वो इन कानों के साथ हमारी मुश्किलें नहीं सुनेंगे, हमसे गुफ्तगू नहीं करेंगे? और ये अब यहां से अलग हकीकत है मेराज में बयान नहीं कर रहा। अब मैं मुख्तसर फकत मैं ये अर्ज कर दूं, अगर जितना मैंने समझा है सूरह मुबारक शम्स को हदीस के साथ, वो भी हदीस कुदसी,
पैगंबर की हदीस नहीं है। हदीस किसा को जब अल्लाह ने सराहत के साथ बयान किया तो वो सब उतारा जो आप सब सुनते और पढ़ते हैं अपनी महाफिल में। आज के इस मजलिस के आगाज में भी आपने पढ़ी, मीलाद के आगाज में पढ़ी, लेकिन एक हदीस किसा कुरान में भी मौजूद है और उस हदीस किसा का नाम है सूरह मुबारक शम्स। वक्त खत्म हो गया, मैं सिर्फ जाविया अर्ज कर रहा हूँ, ऐनक आपके हाथ में दे रहा हूँ, उस ऐनक को लगा के आप अगर इस सूरह की तिलावत करें, सलवात पढ़ें, वशम्से वदुहा, खत्मी मर्तबत की बेसर को बयान किया। सूरज, सूरज की कसम क्यों उठाई अल्लाह ने, क्योंकि सूरज हयात बख्श है और कुरान ने सूरह मुबारक अनफाल में पैगंबर का तारुफ क्या फरमाया, पैगंबर हयात बख्श है। और इंसानों से क्या कहा, वो मोहम्मद की जो तुम्हें जिंदगी की तरफ बुला रहे इन्हें लब्बैक कहो। वशम्से वदुहा, जब पूरी आबोताब के साथ हजरत ज़ुहूर फरमाते हैं इस कायनात में, वल कमरे इज़ा तला, और चांद की कसम जब वो बिना फासला सूरज के पीछे आता है। कुरान ने पैगंबर के फौरन बाद एक तरफ अली का जिक्र किया, दूसरी तरफ अली की बिलाफासल खिलाफत का जिक्र किया कि पैगंबर और अली के दरमियान जर्रा बराबर फासला नहीं है, ये चौदहवीं का चांद। अब अगर कभी मैं मुबालगा नहीं कर रहा, आप खुद देखिएगा, महसूस कीजिएगा, चौदहवीं के चांद में अगर कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए तो इस सूरह की तफसीर मजीद वाज़ह हो जाएगी। वश्शम्से वदुहा वल कमरे इज़ा तला, इस कैफियत को रख कर खुदा ने कसम उठाई बिला फासला, और फिर क्या फरमाया, वन्नहारे इज़ा जल्ला। नहार, मैंने अहदीस भी देखी है, 29 नंबर जिल्द है, बिहार की तफसील से अल्लामा मजलिसी ने रिवायात को बयान किया, ये नहार क्या है, ये रोजे गदीर है। जिस दिन पैगंबर ने महदी तक इन तमाम इलाही हुज्जतों की विलायत का ऐलान किया, ये नहार है कि जब पूरी आबोताब के साथ ये दिन मुतजल्ली हुआ, ये रोजे गदीर, ईद गदीर। वशम से वदुहा, अब देखिए एक तरफ हदीसे किसा रखिए, एक तरफ सूरह शम्स रखिए, और खुदा क्या फरमा रहे, वहां हदीसे कुदसी है, यहां कुरान है। वशम्से वदुहा वल कमरे इज़ा तला वन्नहारे इज़ा जल्ला वल्लैले इज़ा यक्षा। जाइए, मैं पूरी दिक्कत और जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये कुरान मजीद आपके सामने मौजूद है। अब जब महफिल खत्म हो जाए और यहां से फुर्सत हो घरों में जाए, चाहे रात में सोने से पहले अगर तजस्सो ज्यादा हो, या फिर सुबह जब फज्र पढ़ें और तिलावत के लिए कुरान उठाएं, तो इस सूरा को उठा के देखिएगा कि अल्लाह ने 11 कस्में उठाई। कोई मुफस्सिर, कोई माहिर कुरान, कोई भी उलूम कुरान का माहिर उठ के इस आयत की तफसीर बयान करके दिखाए। जितनी भी आयात है सब में अल्लाह ने माजी के सीगे इस्तेमाल किए, शम्स के साथ माजी, कमर के साथ माजी, नहार के साथ माजी, दिन के साथ माजी, नफ्स के साथ माजी, सिर्फ लैल के साथ अल्लाह ने मुजारे का सीगा इस्तेमाल किया। क्या तफसीर है, ये वही मसला है बेरंग नहीं जो आयात गदीर में खुदा ने बयान किया। आयत में हैरान हो तो मुफस्सरीन जब यहां पहुंचते हैं, अतशिया मुफस्सरीन जब पहुंचते हैं आयात गदीर, कुछ आयत गदीर से पहले नाजिल हो, कुछ आयत गदीर के बाद नाजिल हो, लेकिन जब यहां पहुंचते हैं सिर्फ तर्जमा करके गुजर जाते हैं। आयत के इस टुकड़े की आज तक मैंने तफसीर नहीं देखी सिवाय उस्ताद शहीद मुर्तजा मुताहरी के, किसी शख्सियत ने इस आयत के हिस्से का जो आयत गदीर है, आज के दिन काफिर मायूस हो गया, फला तख्शौ हुम वख्शौ, खबरदार अब इनसे न डरना, अब मुझसे डरना। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया, फअतममतु अलैकुम नेमती, और आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए अपनी नेमत तमाम की, वो रजी तो लगो इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंदीदा दीन करार दिया। दीन मुकम्मल हुआ, नेमत तमाम हुई,
अल्लाह राजी हुआ, काफिर मायूस हुआ, गदीर में खुदा क्या फरमा रहे, बीच में क्या कर, फला तक्षो वक्षो, अब इनसे न डरना, काफिरों से न डरना, आज काफिर मायूस हो गए, अब मुझसे डरना। अकील भाई ने मुझे यहां पर मदहू किया, बुलाया, और मैंने इनसे कहा, मिसाल अर्ज करो, मैंने इनकी खिदमत में अर्ज किया, अकील भाई मेरी तबीयत नासाज है, बीमार, और हकीकत भी ऐसे ही, मैं जब आपकी खिदमत में पहुंचा तो बीमार हूँ, मुमकिन है गुफ्तगू करते हुए मुझसे कोई ऐसा गलत कलिमा बीमारी में थकावट में अदा हो जाए, मेरे सामईन गुस्से में आकर तो कहीं ऐसे ना हो कि सदुपयोग कर दे, सजा दे मुझे गलत बात करने पे, कोई ऐसी मेरी इस थकावट इस कैफियत में, बुखार में जब इंसान जाता है तो ज़ियानी कैफियत के बहुत करीब पहुंच जाता है, फिर कुछ कह देता है जुबान से निकल जाता है, तो ये मुझसे क्या कहें कि ना आप ना डरें, अब किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं मौजूद हूँ, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं, बस वहां बैठ के मुझसे करिए। ये अजीब, गदीर में अल्लाह ने पैगंबर से भेज नहीं ये कहा, अल यौम यबिस अल्लज़ीना कफरू, आज के दिन काफिर मायूस हो गया, फला तक्षऊ, अब इनसे ना डरना, वक्षऊ, अब मुझसे डरना, यानी पहले आप काफिरों से डर रहे थे, मैं जमानत दे रहा हूं इनसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझसे डर। इस आयत का कभी किसी ने वजाहत नहीं की, आप खुद तफसीरें उठा के देखिए, अगर कभी किसी ने कोई बयान किया, क्यों बात समझ में नहीं आती, इसलिए समझ में नहीं आती कि आम तौर पर गदीर में जिस चीज को बयान किया जाता है, गदीर शियों के यहां पाकिस्तान में हिंदुस्तान में चले जाए हत्ता बाकी जगहों पर इस तौर पर मनाया जाता है, गदीर यानी अली इब्ने अबी तालिब की विलायत के ऐलान का दिन, जब अली की विलायत के ऐलान का दिन मान लिया जाए तो समझ लिया जाए, बस इस पे रुक जाए इंसान, फिर बात समझ में नहीं आती, लेकिन खुदा क्या कह रहे, अल्युम्मा अतममतु अलैकुम नेमती, सिर्फ अकमलतु लकुम दीनकुम, अकमलतु हुआ, लेकिन किस कैसे हुआ, अतममतु के बाद हुआ, आज के दिन मैंने नेमतें तमाम की, और फिर मैं आप ही की तरफ मुड़ रहा हूं, और आप सब भी तो इनके साथ जाते होंगे, अलग से भी जाते होंगे ज़ियारत के लिए, ईरान में जब आप जाते हैं कौम में मशहद ज़ियारत के लिए किसी नानबाई की दुकान पे, वहां घरों में रोटियां नहीं बनती, सब बाहर से खरीदते हैं, और कभी आप गए हो नानबाई की दुकान पे मगाजे और रोटियां खत्म हो चुकी हो, और आप पहुंचे तो आप वो रोटियां खत्म, तो अब वो क्या कहता है आपसे, आप में से कभी किसी के साथ इत्तेफाक हुआ हो तो क्या कहते, तमाम शोध, अचानक तमाम शोध, तमाम शोध। गदीर में अल्लाह ने इंसानों से यही कहा, तमाम शोध, यानी मेरी नेमतें खत्म हो गई, खत्म हुई, क्या मतलब, यानी मेरे पास जितनी भी नेमतें थी ये नेमतें नहीं है जो इंसान खाता है पीता है पहनता है, कभी फिर अर्ज करूंगा ये पहलू ना, कयामत में ये हिसाब नहीं है नेमतों के बारे में, और इस रात में जो खुदा फरमाएगा कि वाकिफू मिन्नो मसूलून, कि फरिश्तों ने रोको रोक के सवाल करो नेमतों से मुतल्लिक, कौन सी नेमत है, इमाम सादिक ने भी नुमान बिन साबे से ही पूछा था, 40 सवाल पूछे थे, आखिरी सवाल पूछा था, कहा अबू हनीफा जरा इस आयत की तफसीर बयान कर दीजिए, थुम्मा लतुसअलुन यौमा इज़िन अनिल नईम, कि कयामत के दिन नेमतों से मुतल्लिक सवाल किया जाएगा, जरा बताइए वो कौन सी नेमत है, ये जो हम खाते हैं पीते हैं पहनते हैं, कहा अबू हनीफा नौमान बिन साबित ये बताओ, अगर वो तुम्हें अपने दस्तरखान पे बुलाए, बेहतरीन खाना खिलाए, बेहतरीन मशरूबात पेश करे, उठो तो तुम्हें तहाइफ दे, लेकिन फिर अगर कभी मुलाकात हो लोगों के दरमियान तो तुम्हें खड़ा करके पूछना शुरू कर दे कि साहब जरा बताइए मैंने आपको अपने घर में क्या क्या खिलाया था, क्या क्या पिलाया था, कौन से बादशे आपको तोहफे में लिए थे, तो बताओ तुम उसके बारे में क्या सोचोगे, क्या मैं यही सोचूंगा बहुत कमीना आदमी है, कमजर्फ आदमी है, पहले खिलाया पिलाया पहनाया अब हिसाब लेने के लिए, क्या अब बताओ खुदा के बारे में क्या ख्याल है, कि यहाँ खुदा तुम्हें ये नेमत दे और कयामत में खड़े करके पूछना शुरू कर दे कि बताओ मैंने तुम्हें देख खाने के लिए क्या क्या दिया था पीने के लिए, तो फिर बताए कौन सी नेमत है, क्या फरमाया इमाम ने, क्या वो नेमत हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत की नेमत है, विलायत की नेमत, ये विलायत की नेमत कब मुकम्मल हुई,
غدیر میں خدا نے فرمایا تمام شد. خطبہ غدیر مطالعہ کیجئے میرے عزیزو. وقت نہیں عرض کروں, بس آخری دو سے تین منٹ آپ کی زحمت تمام کروں. غدیر میں پیغمبر نے صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا, جیسے کہا کہ ان اللہ مولا جا وانا مولا المومنین, پھر فرمایا من کو تو مولا فاحز علی المولا, اس کے فوراً بعد فرمایا کہ علی کے بعد علی کا بیٹا بڑا بیٹا حسن مصطفیٰ میرا وسیع میرا جانشین میرا خلیفہ تمہارا امام ہے, حسن کے بعد حسین, پھر سب کا ذکر کیا اور آخر میں امام زمانہ. اور جب یہ ساری نعمتیں دے دی اللہ نے تو کیا کہا, اتمام تو تمام شو, یعنی خدا کے پاس جو کچھ تھا یہ سارا میں نے دے دیا تمہیں, اب میرے پاس اس سے مازاد کچھ نہیں ہے, ان سے بڑھ کے یہ میری نعمتیں تھیں جو میں نے تمہارے حوالے کی. لیکن فوراً بعد کیا فرمایا, فلا تخشوا, اب آپ کو کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, ایسی نعمتوں کے آ جانے کے بعد کافروں سے نہ ڈرو, بخشو مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو یعنی میرے بنائے ہوئے قاعدوں سے ڈرو, میرے بنائے ہوئے قوانین اور اصولوں سے ڈرو, کیونکہ میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خود بھی مخالفت نہیں کرتا, اور میرا قاعدہ یہ کہ اگر کبھی میری نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اسے واپس لے لیتا ہوں. اسی آیت غدیر میں جہاں امام زمانہ کا خدا نے ذکر فرمایا, ساتھ ہی امام زمانہ کی غیبت سے بھی خبردار کر دیا, فلا تخشوہم بخشو, یہ میں آپ کی خدمت میں اعلان کر سکی, آپ باقی جتنی بھی آیات ہیں اٹھائیں دیکھیں بے ہی نہیں ایسی. اسی طرح سے اب آئیے سورہ مواقعہ شمس میں, جہاں پر شمس و قمر کی بات ہو رہی ہے, اور یہ شمس و قمر نسبی ہے. قرآن نے پیغمبر کو شمس کہا, علی کو قمر کہا, لیکن کیا علی ہمیشہ قمر ہے؟ نہ, پیغمبر کی نسبت علی قمر ہے. پیغمبر کی زندگی میں اٹھائیے, کون جانتا ہے علی جس کی زبان ہلے تو ناج البلاغہ جیسی کتاب وجود میں آ جائے, یہ علی جیسا فصیح و بلیغ انسان پیغمبر کے سامنے ایک جملہ کبھی آپ کسی کتاب میں اٹھا کے دکھائیے, پیغمبر کی زندگی میں علی نے کچھ لکھا ہو یا کچھ کہا ہو, نہ ایک عبد کی طرح, ایک غلام کی طرح ہاتھ باندھے ہمیشہ پیغمبر کے پیچھے پیچھے. پیغمبر شمس علی قمر, پیغمبر کی زندگی میں علی نے کبھی آواز بلند نہیں کی, کبھی خود سے خطاب نہیں کیا, مگر یہ پیغمبر کی معمور کریں جائیں. اسی طرح سے علی پیغمبر کی نسبت قمر ہے, لیکن علی خود شمس ہے حسن مصطفیٰ کی نسبت, اور حسن قمر ہے علی کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے, اور خود حسن مصطفیٰ شمس ہے جب حسین کے ساتھ نسبت سمجھی کی جائے, حسین قمر ہے حسن کے ساتھ اور حسین شمس ہے علی زین العابدین کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ حق تعالی نے پیغمبر کیوں شمس ہے, پیغمبر قمر نہیں, پیغمبر ہر صورت میں شمس ہے, اس لیے کہ حق تعالی نے پیغمبر اسلام کو جو افاضہ کیا, جو فیض عطا کیا ہے وہ بلا واسطہ ہے, خدا اور پیغمبر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. دیکھیے آج کتابیں پاکستان میں بھی لکھی جا رہی ہیں کہ کبھی اللہ جبرائیل کے ذریعے سے وحی اتارتا ہے, کبھی براہ راست پیغمبر پہ, اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ جبرائیل کے بغیر نہیں آ سکتا, اگر آ سکتا تو اللہ جبریل کو وسیلہ نہ بناتا, چونکہ خدا حکیم ہے خالق کی عقل ہے, اگر جبریل کے بغیر بھی آ سکے تو جبریل کو وسیلہ قرار دینا عبث ہے, غیر ضروری ہے, خدا یہ نہیں کر سکتا. اب جب اللہ جبریل کو وسیلہ بنا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جبریل پیغمبر سے افضل ہے, ایسا نہیں ہے. وہ جبریل جو چوتھے آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا یہ وہی دریافت کیسے کرے, کیسے دریافت کرے, کیا خدا تک رسائی حاصل ہے تو شب معراج چلا جاتا. یہ تفصیلات ہیں میں عرض نہیں کر رہا, لیکن یہ عرض کر دوں ایک تاکہ سوال جوانوں کے ذہنوں میں نہ رہ جائے, یہ جو جبرائیل تک قرآن آ رہا ہے اور ایک نظام کے تحت کہ جبرائیل پیغمبر تک پہنچا رہے تدریجن قسطوں میں ٹکڑوں میں 23 سال لگے, یہ قرآن جبرائیل کو کون دے رہا ہے؟ جبریل تک وہی شخصیت قرآن پہنچا رہی ہے جس نے اپنی ولادت کے وقت پیغمبر کے ہاتھوں پر نزول قرآن سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کی. یہاں قرآن کہہ رہے قد افلح من زکاہا, وہاں علی کی زبان سے کیا آیت جاری ہوئی, قد افلح المومنون,
की अजीब निस्बत है। इधर सक्का जिसने तज़किया किया वो कामयाब हुआ, और अली ने आके क्या कहा, कुरान की आयत पढ़ी नुज़ूल कुरान से पहले, कद अफलहल मोमिनून, और यही सूरह बाकी यूनुस आयत नंबर 17 कुरान क्या फरमा रहे, ला युफलिहुल मुजरिमून, मोमिन तो कामयाब है, मुजरिम कभी कामयाब नहीं हो सकता। और अली मुजरिमों को छुड़ाने के लिए नहीं आए, अली मोमिनीन को कामयाब बनाने के लिए आए। बस मेरे अज़ीज़ों, अब मैं आयत का सूरह का तर्जमा कम अज कम पहली 10 आयतों का माना कर रहा हूं। वशम्स व दुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा व नहार इज़ा जल्ला, यानी अली से बात शुरू हुई और आकर गदीर तक सब हुज्जतों का बयान किया, और साथ में जिस तरह से गदीर में फला तक्षौहुम वक्षौन की आयत है, यहां पे खुदा ने क्या फरमाया, वल लैल इज़ा यग्शा, फर्क नहीं बचा, पर ना मैं तफसील अर्ज करता, ये गैबत इमाम ज़माना की तरफ नाजिर है, और अगर आप तफसील देखना चाहते हैं तो 29 नंबर जिल्द बिहार की अल्लामा मोहसिन जो रिवायात बयान किए वहाँ आप देख सकते हैं। वन्नहार इज़ा जल्ला वल्लैल इज़ा यग्शा, और उसके बाद वस्समाए वमा बना, मैंने कहा मन नहीं है मा है, मन ज़बीर उकूल के लिए आता है, यहां पर मा इस्तेमाल हुआ, समा और उसकी बनावट क्या ताल्लुक है, कभी आप सक्का तक नहीं पहुंच सकते अगर आप समा की ये जाहिरी तफसीर करें आसमान। फिर मैं अर्ज करूंगा कि इस मुजारे के लफ्ज का आप क्या करेंगे और इस तरतीब का आप क्या करेंगे। समा से मुराद जैसा अल्लामा मजलिसी ने बयान किया क्या है, देखिए तरतीब रखिए, पैगंबर अली फिर ये 14 फिर 14वें की गैबत, और जब 14 का जिक्र मुकम्मल हुआ अब समा का जिक्र है, समा और समा की हुस्न सनअत, समा यानी चादर है फातिमा को सहारा, यानी किसा है फातिमा, ये समा जो इन सारे अनवार को घेरे हुए, जो उम्मुल अइमा भी है उम्मे अंबिया भी है और उम्मे अबीहा भी है, जो सबको अपने दामन में समोए हुए कि चादर फातिमा, व समा ए वमा बना वलर्जे वमा तहा रुतबतन, पहले किसा की बात है फिर जमीन को बिछाया जाना, जमीन का इंसान के तज़किया के साथ क्या ताल्लुक है, युज़क्की हिम की बात होने लगी है इसलिए युज़क्की हिम से पहले युज़क्की हिम के मजहर, देखिए हमारी कामयाबी जक्का, लेकिन जो हमारा तस्किया करे वो कौन है, पहले उनका जिक्र हो रहा है, वरना सूरज चांद सितारों का जिक्र करके क्या निस्बत है इसका। अगर मोमिन के तस्किया की बात हो रही है तो जो तस्किया करेंगे पहले उनकी बात आएगी, कौन है, नहार, वो नहार है इज़ा जल्ला, वो चटाई जिसके ऊपर ये पहले पैगंबर आराम कर रहे, बाकी तदरीजन आए और फिर ये समा ये चादर जिनके ऊपर उड़ाएगी, और अब वस्समा वमा बना वलर्ज वमा तहा व नफ्सिम वमा सव्वा फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वा कद अफलहा मन ज़क्का, इन सारी कस्मों के बाद कामयाब वो है कि जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने आप को पार कर लिया। मेरे अजीजों, ज़ाहिर मैं महसूस करूं कि वक्त घंटे से तजावुज़ कर गया, लेकिन कभी इंसान जब पूरी तरह से सेहतमंद नहीं होता तो फिर वो बात फैल जाती है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों इस सूरह का पैगाम यही है, ये अनवार का जिन्हें हक ताला ने भेजा है, सूरह मुबारक आले इमरान आयत नंबर 164 खुदा क्या फरमा रहे, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इस बाअथ फीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनीन पर जो सबसे बड़ा एहसान किया क्या, कि इनके दरमियान रसूल भेजा, क्या करता है, जो ज़क्की है, जो इनके नापाक नफूस को पाक करता है। वरना इसी सूरह अल बकरा में चले जाए आयत नंबर 129,
जब इब्राहिम और इस्माइल काबे की दीवारें उठा रहे थे, मैं 2 मिनट और आपको सामने रखूं, काबे की दीवारें उठा रहे थे तो क्या दुआ मांगी जनाब इब्राहिम ने? रब्बना वब असफीहिम रसूल, परवरदिगार में एक रसूल भी, यतलू अलैहिम आयातिका, जो इन पर तेरी आयतों की तिलावत करे, वयुअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिक्मा, और आखिर में क्या कहा, वयुज़क्कीहिम, इनका तज़किया करे। खुदा ने 2500 साल के बाद इब्राहिम की दुआ का जवाब दिया, लेकिन तरतीब बदल दी। 129 नंबर आयत अल-बकरा में इब्राहिम ने कहा, रसूल भेजो तिलावत करे, इल्म की तालीम दे, हिकमत की, और इनका तज़किया करे। खुदा ने क्या फरमाया सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 में और सूरह जुमा में, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयाते वयुज़क्कीहिम, तज़किया पहले, और इसके बाद जो खुदा ने इबरत अंगेज वाकया बयान किया कौम समूद का, कि आज नामो निशान में मक्का और शाम के दरमियान उम्मुल कुरा के नाम से ये वादी थी जहां पर ये लोग आबाद थे, दुनिया की मुहज्जब और मुसक्कफ हो। लेकिन जब अजाब आया, पहले 3 दिन तक जनाबे साले ने इन्हें वार्निंग दी कि दुआ भी मांग सकते हो, अपनी गुनाहों के लिए तौबा भी कर सकते हो, 3 दिन के बाद अजाब आएगा। लेकिन ये इतने जरी हुए कि एक तो इन्होंने नाके साले को कत्ल किया, साथ अब जनाबे साले को कत्ल करने के लिए तलाश कर रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि वो दर्दनाक अजाब जहां पे परवरदिगार ने 3 अजाब यकजा नाज़िल किए कौम समूद पे, दसीसा से बात शुरू होती है और तुगयान सरकशी तक बात जाती है। इस सूरह का पैगाम ये है मेरे अज़ीज़ों कि हम तज़किए नफ्स में कामयाब हो जाए। कद अफलाह, 11 कस्में उठाने के बाद खुदा फरमा रहे कद अफलाह मन ज़क्का, कामयाब वो है कि जो अपना तज़किया करे। हक ताला हम सबको अपना तज़किया करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हाज़रीन पर अपनी खास नेमतों, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। परवरदिगार हाज़रीन के दिलों में जो दुआएं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में सबको मुस्तजाब फरमाए। परवरदिगार हम सबको गुनाहों की कैद से रिहाई अता फरमाए, हम सबको नेमत तक़वा अता फरमाए, सबको अपने तोयान और सरकशी से महफूज और मामून करार दे। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इमाम की मारिफत नसीब फरमा, हमारी तमाम दुआओं को बारगाह में मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार हम सबको ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की अता फरमा कि जब हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की नूरानी शख्सियात की ज़ियारत का शरफ हासिल हो, ये हज़रात हमसे राज़ी और खुशनूद हों, हमसे नाराज़ न हों। परवरदिगार इस घर पर और इस घर के रहने वालों को तमाम मुसीबतों और परेशानियों से दूर फरमा, अपनी खास नेमतों और रहमतों को इस घर और हाज़रीन पर नाज़िल फरमा। हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا ضائع الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام